समस्या क्या, हम लोग का कुछ समस्या नहीं। पांडव लोग ने जितना परेशानी उठाया, हम लोग जीवन में क्या उठाए बताए? और उठाने में हम समर्थ है। हम बोलते हैं अभी जिसका मोबाइल पकड़ो मैं टेंशन में हम टेंशन में। तुम क्या टेंशन ले रहे हो, तुम राजा हो क्या? दो हो, एक लड़का या एक लड़की है, तुम दो हो, चार हो, फिर पिताजी को छोड़ दिया, फिर बोलते हो टेंशन। पर जंगल में रहने वाले हर दिन उनका ऊपर आक्रमण कर रहा था ये असुर दुर्योधन, फिर भी कभी नहीं ठाकुर जी बोले कि मैं टेंशन में हूं, प्रभु जी मैं आपके आश्रय, जो इच्छा आपका यही जीवन होता है। ममता बढ़ जाता है ठाकुर जी का ऊपर, सब समस्या समाधान हो जाता। तो ठाकुर जी बोले, तब दूसरा दिन आए तो रानी ने पूछा, ए पुजारी देखो ना ठाकुर जी का नाक में छिद्र है क्या? बोले मां जी आप तो रानी लोग हैं, आपको क्या हो गया? पत्थर में कोई छिद्र होता है, पत्थर जी का ठाकुर है कोई, ऐसा तो कोई शिल्प शिल्प भी बोलते हैं ना जो बनाते कारीगर लोग, इसमें नहीं करते। नहीं नहीं मुझे ठाकुर जी स्वप्न में बोला है, तुम देखो सचमुच तो गए तो देखे ठाकुर जी का नाक में छिद्र। तब रानी ने निकाला उसको दे दिया, आज तक ठाकुर जी पहनते यही साखी में काम। जगन्नाथ से इधर साखी गोपाल, वही तो गोपाल है चोरी करने वाले, जगन्नाथ का चोरी करके खाए ना, अभी ठाकुर जी उनको दंड दे दिए, राजन तुम इधर रहो अकेला। कितना प्रेमी इस सुगम में आ रहा था, मैं उधर बोल रहा था इधर से इधर चले। विश्व विद्यापति ने देखिए ठाकुर जी के लिए कितना बड़ा शादी किए थे, फिर विद्यापति को शादी करना पड़ा, क्योंकि जितना बार ललिता को बोल रहे तुम्हारे पिताजी कहाँ जा रहे हो, कहाँ कि पिताजी ने मना किया था ललिता, उनको बोलना नहीं है, विद्यापति को नहीं बोलना है कि मैं नील माधव की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, नहीं बोलना, बहुत नहीं बोला। तो वो देखा कि मुझे अगर उनको शादी कर लूंगा, पति पत्नी का संबंध हो जाता तो भीतर का बात बाहर आ जाता, कितना दिन वो रखेगा। लेकिन वो बोला कि मैं शादी नहीं किया, भगवान के लिए आज क्या कर रहा है, एक जीवन को जलांजलि दे रहा है। शादी किए हैं, लड़का वगैरह सब कुछ है, विद्यापति बोले मैं शादी नहीं किया हूँ, तुमको शादी करूंगा, तुमको प्रेम कर रहा हूँ, छोटा मोटा बोलते। और वो जब ममता हो गया तब बोलते, सचमुच बताओ ना तुम्हारा पिताजी कहाँ जाता है? मेरा पिताजी नील माधव का सेवा करने के लिए जाता है। तब वो रोने लगा, अरे राजा इंद्रदुम्न ने मुझे इसीलिए भेजा है ना, कलिजुग में जो ठाकुर है वो कहाँ रहते हैं, वो नीलचक्र नील माधव है, नीलांचल में रहते हैं, मैं ढूंढने के लिए आया हूँ, जीवन में एक बार तो दर्शन हो जाएगा। तो राजा को छोड़ लीजिए, मेरा जीवन तो कृतार्थ हो जाएगा, तो शादी कर लीजिए। बोलने लगे मैं तुम्हें शादी करूंगा, तुम सब कुछ बता। और पिताजी को बोल दो मुझे एक बार दर्शन कर। तो लड़की जो बोलते पिताजी मानते हैं, तो पिताजी को पता चला कि वो कुछ शादी करने वाले, तो बोले पिताजी अगर आप मेरा पति को नील माधव का दर्शन नहीं करेंगे तो मैं शरीर छोड़ूंगी। तो पिताजी बोले ठीक है, लेकिन वो आंख बंद करके जाना है, फिर उनको डर लगता था अगर वो जो रास्ता बोलते ना हिंदी में वे रास्ता है ना, वो पता चला गया तो वो ठाकुर जी को लेकर चला जाए। तो बोले ठीक है, आंख बांध दी, किसका? विद्यापति का। वो पीछे पीछे गए, लेकिन विद्यापति बहुत चालाक थे, सूरज बोलते हैं मुस्टार्ड, राई बोलते हैं, राई बोलते हैं। और राई को पहले उनका चादर में बांधा था और इसमें एक होल छिद्र कर दिया, वो जब जाते थे वो राई गिरते गिरते जाते थे। इसका मतलब क्या, जब बारिश होगा तो राई उगने लगेगा, तब वही रोड हो गया है कि नहीं, इंडिकेशन रोड हो गया। देखिए भगवान को पाने के लिए कितना बुद्धि खर्च करते, आजकल पैसा पाने के लिए इतना ही बुद्धि खर्च करते, वही बुद्धि है, बुद्धि वही है, लगाते जैसा तलवार है, चाकू है ना घर में, पहले जमाने में क्या वेजिटेबल कटिंग कर, अभी लगा सकते हैं, यही चीज है, अलग हो जाता है काम, अलग अलग काम में लगा, अब तो फल ऐसा नहीं, बुद्धि है, बुद्धि नहीं, कौन बोलता है कंडम बुद्धि वाले, बहुत तेज बुद्धि वाले। मैं देखा हूँ छोटा छोटा बच्चा मोबाइल ऐसे, मुझे पता नहीं है वो कहाँ कहाँ निकल कर बोल देते, बाबा ये इधर है,
कहाँ बुद्धि आ जाती है? वही बुद्धि है, वो विषय प्रवणा हो गया है, विषय से लगते 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 विषय भोग आदत हो गया। वही बुद्धि अगर ठाकुर से लग जाए ना, आत्म प्रवणा हो जाता है भक्त संघ से, वही बुद्धि आत्म प्रवणा हो जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है? तब जब गए नीलमहाप्रभु को दर्शन करने के लिए, जो आंख खोल दिए तब ठाकुर जी अंतर्धान बोले, नहीं दर्शन नहीं, और मेरा ये लीला समाप्त हो रहा है, अभी मैं जगन्नाथ जी का लीला करूं। तुम जाओ, राजा इंद्रदम्न को बोल देना है आज पूर्णिमा है, नहीं आज स्नान पूर्णिमा है, आप लोग कल मानते हैं, डिफरेंस होता है ना, आज है पूर्णिमा, देव स्नान पूर्णिमा उड़िया में हम बोलते हैं, देवता का आज स्नान है, आज जरूर बरसात होगा पूरी, पूरी में इतना नियम है ना, चाहे प्रलय हो जाए जगन्नाथ जी का लीला चलता है, कोई देव स्नान पूर्णिमा स्नान जी आसान यात्रा है ना, इसमें बरसात तो उड़ीसा में होने वाली, कहां भी होगा जरूर, हम लोग को पूरा, हमने कितना ट्राई किया, आज देव स्नान पूर्णिमा बरसात होगा कई है ना क्षेत्र, इसमें होता है। अरे तुम जाओ एक पूर्णिमा के दिवस पर, बोल देना राजा को मैं समुद्र में दारू, अब दारू ब्रह्म बनना है, उधर से मुझे श्री विग्रह बनाएंगे, तब तो मैं नीलाचल में रहूंगा अब जगन्नाथ स्वरूप से, और नीलमाधव स्वरूप में रहूंगा। नहीं तो गए बोले इंद्रदम्न को, इंद्रदम्न आए, इंद्रदम्न जब आए ना आज पूर्णिमा दिवस में, आप जाते हैं ना पुरी में, पुरी में वो है चक्र तीर्थ, गए कभी उधर लगे थे दारू चक्र तीर्थ, वो दूसरा दिशा में, आप जाएंगे तो बोल देंगे तो टेम्पो वाला ले जाएंगे, 5-10 रुपया लगता है, देखना है उधर ही लगे थे समुद्र का किनारे, लेकिन वो दारू कितना हाथी लिए घोड़ा लिए सब कुछ लिए, लेकिन उठाने में समर्थ नहीं, राजा जितना कोशिश किए, तब आकाश मंडल जगन्नाथ जी बोल रहे हैं, इंद्रदम्न तुम चाहे कितना कोशिश करो तुम समर्थ नहीं होंगे, तुमको बुलाना है, किसको, विश्वामित्र को बुलाना है, क्योंकि मेरा पुराना सेवक होते, ठाकुर जी किस ममता कर, देखिए सबल है, वही प्रार्थना की है ना, पूरी मंदिर में सेवक होते हैं ना, हम बोलते ब्राह्मण है ना, तो 3 तरह के लोग होते हैं सेवा करते हैं, पंडित लोग कौन होते हैं, जो सबसे बड़ा पंडित लोग पुजारी होते हैं, वो किसका है, तो विद्यापति का जो असली पत्नी है ना, प्रमाणिक पत्नी है, उनका लड़का है, पंडित लोग होते हैं। और दैत्यपति कौन होते हैं, जो 1-15 दिन से जगन्नाथ रथ में देखे ना, काला काला मोटा मोटा वो लोग होते हैं, बड़ा बड़ा सोना चेन डालते हैं, वो 15 डेज के लिए वो मास्टर है, तो पूजा कोई भी नहीं आएंगे, वो से बैठे रथ में वापस बावड़ा होता है ना, वापस आकर मंदिर में छोड़ देंगे, उनका सेवा करता हूं 1 साल के लिए, जब नवकलवर होता है वही सेवा करते हैं। वो कौन है, ललिता ने शादी किसको की है, विद्यापति की है ना, तो ठाकुर जी ने बोले विद्यापति ललिता की वंशज जो है विद्यापति से पैदा हुआ है वो लोग, तब ललिता ने ठाकुर जी को प्रार्थना किया कि मेरा भाई लोग कुछ सेवा प्राप्त नहीं करेंगे, वो तो सबर हो, इसीलिए ठाकुर जी ने बोले नहीं वो मेरे लिए कुकिंग करे, देखिए जगन्नाथ कितना दयालु, तो हम जाति पति पकड़ते हैं, जगन्नाथ जी का क्या जाति पति है, बोलिए, कभी कभी लोग बोलते हैं ना वैष्णव लोग का कोई जाति पति नहीं, कहां कौन आए हैं, सब हरे कृष्ण मंत्र भोजन करते, पूरी समय ज्यादा पकड़ते हैं, जब हम भगवान ऐसा नहीं पकड़ते, तुम पकड़ने वाले कौन हो, तुम कौन जाति बोलते हो, तुम्हारा क्या जाति है, फिक्स है क्या, थे कौन तुम, कल क्या बनेंगे, सब सिद्धर स्वामी ने टीका में लिखा है, सब वर्ण का लोग, सब जाति का लोग, सब वर्ण में, सब
समझ आती नहीं, समझते हैं ना। ब्राह्मण में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र भी, चांडाल भी। श्लोक में दिखा दूंगा आपको, कितना श्लोक चाहिए। कौन चांडाल होते हैं ब्राह्मण में, कौन चांडाल होते हैं ब्राह्मण में, कौन शूद्र होते हैं ब्राह्मण में, कौन क्षत्रिय होते हैं। सबरी को क्या बोलेंगे आप, राम जी को जो फल खिलाए थे उनको सबरी बोलेंगे। विभीषण को क्या आप राक्षस बोलेंगे, ब्राह्मण है तो हे तो जन्म लिए हैं, लेकिन क्वालिटी क्या है उनका, गुण के हिसाब से जाति होता है। पुनः कर्म विभाग वेद में वो विभाग है, ठीक है, लेकिन शरीर तो क्या, शरीर पैदा हुआ है ब्राह्मण घर में, आत्मा तो भगवान के अंश, जाति शरीर का होता है, आत्मा थोड़ा होता है। ठाकुर ने सबको सेवा की, तब वो लाए, कौन लाए, दोनों मिलकर लाए, और आज लाकर स्वर्ण के रथ पर लाए, बहुत बड़ा कीर्तन करके लाए, और जो आज स्नान मंडप है ना उधर ना है जगन्नाथ, आज जन्म देने बहुत बड़ा अभिषेक हुआ जगन्नाथ जी का, रथ रथ यात्रा से 15 दिन पहले, तब तो ठाकुर भीतर गए, तब फिर आकाशवाणी वो प्रार्थना करने लगे इधर, तुम प्रभु जी आप इधर दारू है, इनका रूप कैसे आएगा, तो ठीक है मेरा रूप ऐसा है तुम बनाओ। कितना कारीगर लोग आए, वो स्पर्श करते थे ना वो लकड़ी को, उनका जो हथियार होता है ना सुकुर्जा, तो राजा फिर रोने लगे, भगवान ये क्या लीला है, ये लकड़ी है या पत्थर है। तो ठाकुर जी बोले नहीं नहीं मैं एक को भेजता हूं, वो आएगा, वो कौन है, नहीं विश्वकर्मा कौन बोलते हैं, लोग बोलते हैं वो ही ठाकुर जी, उनको कौन बनाने वाला है, उनको कौन बनाएंगे, दुनिया को बनाने वाले को कोई बनाने वाला है, वो खुद ही आए, लोग को समझाने के लिए बोलते थे विश्वकर्मा, अरे वही भगवान है, अरे बोले बुड्ढे होकर आए विश्वकर्मा, और बोले ठीक है मैं भीतर रहूंगा 15 दिन तक, कोई आवाज नहीं निकलना है, आवाज नहीं करना है 15 दिन का बाद, तुम तो भीतर आवाज आ रहा था, कुछ दिन आवाज नहीं आ, क्योंकि राजा को डाउट लग रहा था, इतना बुढ़ा है मर जाएगा तो भीतर मुझे पता कैसे चलेगा, वो काम कर रहा है सो रहा है मुझे पता कैसे चलेगा। तो बोले नहीं नहीं भीतर से एक आवाज आएगा मैं जब काम करता हूँ, तो कुछ दिन के बाद आवाज नहीं निकला, तो राजा का कोई डाउट नहीं था, रानी बोले भीतर मर गया है क्या वो, देखो क्या हो रहा है, बोले नहीं नहीं वो टाइम दिया है ना, इतना दिन नहीं खोलना चाहिए। तो रानी बार बार रोने लगी, ठाकुर जी इच्छा थी ना, तब जो खोल दिया तब जगन्नाथ, तो राजा रोने लगे कि आपका पैर नहीं है, हाथ नहीं, अंगूठिया नहीं, हाथ ऐसा है ना, हाथ है ना, अंगूठिया नहीं, कैसे भगवान क्या है। तब जगत आपको पता है जगन्नाथ जी का कब कब नृसिंह मंत्र में उपासना होता है, जगन्नाथ कृष्ण है उनको भोग लगता है कौन सा मंत्र में, गोपाल मंत्र में, गोपाल मंत्र में भोग लगाते हैं ना, वही मंत्र में जगन्नाथ जी को भोग लगता है, लेकिन कई कई तिथि होता है नृसिंह मंत्र में लगता है, आज नृसिंह मंत्र में लगेगा, क्योंकि नहीं जब जगन्नाथ जी जब 9 बजे हुआ रथ यात्रा की एक दिन पहले, जब वो रूप देखने लगे राजा रोने लगे, तब ठाकुर जी ने बोले तुम क्यों रो रहे हो, नहीं प्रभु जी आपका ऐसा रूप है लोग क्या बोलेंगे आपको, तुम सोच रहे हो मैं दारू हूं, देखो मैं कौन हूं, तो इसीलिए नरसिंह रूप दिखाए, नरसिंह रूप जगन्नाथ जी नरसिंह रूप दिखाए, तुम मुझे दारू मत समझो, मैं भगवान हूं। ठाकुर जी का क्यों ऐसा रूप हुआ, हाथ नहीं है पैर सब है, हाथ है पैर है आंख इतना बड़ा बड़ा क्यों हो गया, बहुत बड़ा स्टोरी, तो कभी पढ़ लेना चाहिए हमारा किताब है, जगन्नाथ जी क्यों ऐसे रूप में कलयुग में, वो जगन्नाथ जी इतना प्रेमिक होते हैं ना, जो उनको प्रेम करता है ना उनका पीछे पड़ जाते हैं। हम आपको सिखा रहे हैं कि आप ठाकुर जी के पीछे पड़ो, लेकिन आप अगर सरल हो जाते हैं ना, ममता थोड़ा बल वो आपका पीछे पड़ने वाले, ठाकुर जी का आदत ऐसा, सब महाप्रभु का ऐसा आदत नहीं था, वो काला बेचा के पास क्या जाते थे, वो गरीब आदमी उनका पास जाते थे, वो केला वगैरह बेचते थे उनका साथ झगड़ा करके लाते थे, झगड़ा करके लाते, वो बोलते मैं गरीब आदमी हूँ इतना टाइम क्यों मेरा खींचते हो,
और 10 बार बोलते बोलते एक चीज लाकर पैसा भी नहीं देते, निकाल दो आज दू। वो बोलता निमाय तुम ब्राह्मण लड़का हो, इतना अन्याय क्यों कर रहे हो। ठाकुर जी बोलते हैं तुम श्रीधर तुम केला बेचने वाले हो फिर हरे कृष्ण करने वाले हो, क्यों हरे कृष्ण मंत्र करते हो। जो देवी लोग को पूजा करते हैं वो आनंद में रहते, माँ काली को पूजा करते हैं दुर्गा को, उनका पास ज्यादा पैसा है, तुम इतना श्रम करते हो हरे कृष्ण बोलते हो, तुम्हारा घर में छप्पर नहीं, रात में चंद्रमा दिखाई देता है, यही तुम्हारा भजन का फल है। देखिए भक्त कैसे बोलते, श्रीधर यही बोलते प्रभु जी, प्रभु जी नहीं बोलते निमान, रात में चिड़िया कहाँ रहता है, बेड पर रहता है, उनका घर है क्या। अरे मैं भी वही घर पर रहता हूँ, रात उनके लिए राजा के लिए वही 20 कितना घंटा होता है, 12 घंटा होता है, अच्छा 12 घंटा होता है कि नहीं, 6 से 6 रात घंटा होता है कि नहीं, रात राजा के लिए रात होता है, गरीब के लिए रात होता है, चिड़िया के लिए सबके लिए रात, रात तो हमको बिताना, इसमें क्या। भगवान बोलते ये नहीं इतना चालाक है, मुझसे भी ज्यादा चालाक है। तो अच्छा देखिए जो अच्छा खा पी कर सो जाते हैं उनके लिए क्या रात बढ़ जाता है। ठाकुर जी बोलते हैं धनी लोग को 2 घंटा ज्यादा रेस्ट ले लो, उनका घर में सूरज का किरण नहीं आता है, रात तो बिताना है और क्या, कहाँ पे रहना है झोपड़ी में। अरे भाई हमारा एक ममता है ना, जैसे आप सुसाइड में रहते हैं ना और कोई लोग फ्लैट में रहते हैं, और क्या बोलते हैं बंगलू बंगलू में बंगले में, अरे तुम चाहे बंगले में रहो चाहे सुसाइड में रहो चाहे फ्लैट में रहो, अरे चाहे कोई पॉलिथिन टेंट पर फ्लैट बना कर रहे, नींद तो समान होता है ना, सुख नींद सो जाने के बाद जो सुख मिलता है वो पॉलिथिन पॉलिथिन का फ्लैट पर, पॉलिथिन बोलते हैं ना मुंबई में देखा, वो लोग सोने के बाद उनको जितना सुख मिलता है फ्लैट में नहीं सुख कम से कम सुख मिल रहा है, ज्यादा गर्मी होता है और उन लोगों के पास ज्यादा पैसा है ना, रात में तो नींद नहीं होता है। अरे रात और रात जीवन बिताना है, इसमें क्या है भाई, थोड़ा खाना है थोड़ा पहनना है और क्या चाहिए, क्या चाहिए। ठाकुर जी ने आपको जन्म दिए हैं खाने को नहीं देंगे, तो शरीर दिए हैं कर्म करने के लिए, 6 घंटा कर्म करना जितना जितना मिलता है इतने सुख में रहे, पीछे पीछे क्यों कर रहे। जब ब्रह्मा जी ने खुद जन्म सृष्टि करने का बाद किसका भाग्य को बदलने के लिए समर्थ नहीं है, हम लोग कितना कोशिश करने का बाद क्या करेंगे। मैं कहां बोल रहा था, पुणे में बोल रहा था वही बात, एक कटोरी लेकर आप जाएंगे समुद्र का पास, समुद्र होता है ना सी का पास जाएंगे कटोरी लेकर, और वही कटोरी लेकर एक तालाब का पास आएंगे, और वही कटोरी लेकर एक कुआं का पास जाएंगे, आपको कितना पानी मिलेगा। आपका पास जितना कटोरी है ना जितना बड़ा सा इतना ही मिलेगा, जीवन भर चाहे आप कर्म कीजिए जितना मिलने वाले हो इतना मिलेगा, करो इतना कर्म करने, गधा बनते बनते तुम बुढ़ा हो जाएंगे, वही मिलने वाले, इधर आता है उधर मेडिकल में जाता है, इधर आता है वो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, लगता है मेरा आता है कहां जाता है पॉकेट में कुछ नहीं है, फिर चलो 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 पता नहीं चलता है आदमी को। कितना सरल सूत्र ठाकुर जी ने दिए हैं, याद नहीं होता है, भजन नहीं करते है ना, बुद्धि कंडम बुद्धि वाले हो गए, बोलते हो मैं पढ़ा हूं PhD हूं इतना पढ़ा हूं, तो क्या है तुम्हारा बुद्धि में क्या, देखो बुद्धि में क्या है, सार है कुछ, सार यही होता है जीवन में, सार यही होता है जो भजन करने वाले। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। वो लोग बुद्धिमान होते हैं जीवन में, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो चाहे नारी हो चाहे कोई भी हो, तो मुझे मेरा कोई अभिलाष नहीं है जीवन में, मुझे सुन आपका कथा सुनने को मिले, आपका सेवा करने को मिले, आपका नाम कीर्तन करने को, आपका स्मरण हो जाए, यही मेरा जीवन का लक्ष्य। वही लोग यही अभिलाष करना चाहिए, वही लोग बुद्धिमान होते हैं।
और इसमें जो आनंद आता है ना, ये आनंद राजा को नहीं है, ये आनंद राजा को नहीं है। भजन करने वाले को जो आनंद मिलता है प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलता है। किसको नहीं मिलता? ठाकुर जी पीछे पड़ने वाले, उनको भजन करके देखिए ना। मैं एक टाइम हो गया, एक जगन्नाथ जी एक लीला आपको बोलूंगा। देखिए ठाकुर कितना पतित पर दया करते, हम तो तिलक लगाकर भजन करते, भरोसा बढ़ाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि परिवार का उनका केयर नहीं करना है, दायित्व नहीं लेना, नहीं कीजिए, लेकिन टाइम मस्ट वेट कीजिए, वेस्ट नहीं करना है, नष्ट मत कीजिए। जैसा इधर सत्संग हो रहा है ना, अब ठाकुर का घर बन रहा है, जब कली आ जाइए सुबह सुबह, तो सेवा होता है मंगला आरती, उसके बाद आ जाए इधर जब कीजिए, उसके बाद जाए घर में काम कीजिए। घर के चक्कर में रहने से टाइम कहाँ चले जाता है आपको पता नहीं चलता। हम सोचते हैं कि घर में घर गृहस्थ में जो जिम्मेदारी है ना, वो जिम्मेदारी निभाने का बाद हम भजन करेंगे। घर गृहस्थ एक ऐसा चीज होता है ना, तो ये जिम्मेदारी जाएगा ना आपका भजन होगा कभी नहीं। आप सोचते हैं ना, जमीला बोलते हैं ना, जंजाल है, कहाँ चला जाएगा वो जमीला, जंजाल चला जाएगा। लड़की का भी शादी कर दूंगा और कोई टेंशन नहीं, अब तो माला पकड़ना आ गया, लड़की शादी हो गया, और तो दामाद है वो, उनका नौकरी नहीं है, फिर उनका पीछे पड़ना। संसार यही है, जमीला कभी नहीं जाता है, भजन करने से जमीला चला जाता है, जमीला जाने के बाद भजन कभी नहीं होता है। ये फर्स्ट आइडिया है, ये फर्स्ट आइडिया कभी नहीं जाता है, बढ़ता है बढ़ता है। आप देख लीजिए, मैं तो शादी वगैरह कुछ नहीं किया हूं, लेकिन एक्सपीरियंस किया हूं पूरा। जो बोल रहा हूँ, छोटा लड़का हूँ तो आप मान लीजिए मैं छोटा हूँ, लेकिन जो बोलना सही बोल रहा हूँ, ना तो विश्वास, क्योंकि घर में मैं देखा हूँ, समाज में देखा हूँ, पहले से बचपन से मैं सबको याद पूरा ध्यान से देख रहा था, संसार में क्या चल रहा। हम कोई नहीं सिखाए तुम बाबा जी बोलो, देखते देखते हम बाबा जी बन गए। संसार को देखते मन में इतना बड़े भर गया कि हिमालय में जाऊंगा, नहीं रहना इस संसार में, यही संसार है जीवन, इसीलिए ठाकुर जी हमको भेजे हैं। कोई ममता नहीं है, कुछ नहीं है, आपस में क्या इसमें जीना है, जाना है तपस्या करके शरीर को नष्ट कर देना है भगवान भगवान के लिए। देखे हम परिवार सब हर जगह में, ऐसा नहीं कि हमारे परिवार में कुछ खाने पीने को नहीं थे, सब कुछ थे, लेकिन वही शांति नहीं। भगवान को भजन छोड़कर कुछ नहीं मिलता है, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, कोई भी ममता बढ़ाना चाहिए। तो वैसे था ना, इसका बात मैं बोल रहा था, पतिता बारामूला था, उनको कोई आदर नहीं करते, सब पंडा लोग भगा देते, लेकिन वो रोते थे, प्रभु जी तो मेरा आदत नहीं है, मेरा माँ की आदत मेरा पर आ गए, माँ ने मुझे तो यही सिखाया है, तो मेरा क्या दोष है, मुझे क्यों जिला रहे आप, क्यों नहीं मार रहे, कोई तो मेरा मुख नहीं दर्शन कराए, नहीं कर रहा है, और मेरा भी भाग्य नहीं मंदिर जाकर आपको दर्शन कर। देखिए तो भजन करने वाले नहीं, जिसे हम सुन रहे ना क्लास में, इसको निर्वेद्य बोलते, इतना सोच प्रभु मैं तो भक्त नहीं हूँ, पतित हूँ, आपका दर्शन तो जीवन में नहीं मिलेगा, ना तो साधु लोग मुझे दर्शन करेंगे, जिसे बेहतर मुझे मार दीजिए। लेकिन ये जगन्नाथ को इतने पुकारते थे ना, जगन्नाथ इसी प्रार्थना किए मरने के लिए, और खुद को इतना निंदा कर रहे थे जगन्नाथ। सुबह 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 जगन्नाथ आ गए, छोटा बालक बनकर जगन्नाथ और बलदेव छोटा बालक बनकर आए, और बोलते थे स्वप्न में पहले आए, बोले माँ स्वप्न में बोल रहे कोई आकर। उनका नाम था माणिक, उनका नाम भी माणिक था, माणिक स्वप्न आकर ठाकुर जी बोले, दो लड़का सुंदर लड़का ठाकुर जी कृष्ण बलराम कराए, आपको भूख लग रहा है, आप कल सुबह आएंगे तो खिचड़ी बनाएंगे ना, खिचड़ी बोलते हैं ना, खिचड़ी पता है आपको, चावल दाल सब कुछ डाल, राम खिचड़ी बोलते हैं, सब वेजिटेबल को डाल दो, चावल डाल दो और मूंग दाल डाल दो, और इसको पाक करना है, हो गया खिचड़ी। और तुम खिचड़ी बनाकर मुझे देना है। स्वप्न में देखा, सोचा ये कौन है, इतना सुंदर लड़का दोनों कौन है, शायद कोई मेरा भ्रम में आ गया, तो सचमुच सुबह सुबह आ गए, सचमुच सुबह सुबह वही लड़का जो स्वप्न में देखा था, कृष्ण बलराम आ गए, जगन्नाथ बलदेव आए,
बोले माँ तुम नहीं बनाए हो, मैं स्वप्न में देखा था, सचमुच तुम आए हो, मुझे पता था क्या? लड़का बैठे बैठे बैठे, तुमको सुबह सुबह कोई खाने को नहीं मिलता है? देखिए जो शरीर बेच रहे थे उनका पास भी ममता है। दूसरे पुरुष को जो शरीर बेचकर पैसा कमाते थे वो आज कितना ममता कर रहा है? हमारा जिनका सामर्थ्य भगवान को प्रेम करने के लिए, तुम्हारा माँ जी पिता जी तुमको खाने को नहीं देते सुबह सुबह? बच्चे लोग को सुबह सुबह भूख लगता है कि नहीं? तुम्हारा कैसा माँ है, कैसा पिताजी है? तुम इतना सुंदर लड़का, तुमको कोई प्रेम नहीं करता है? माँ उसको छोड़ दीजिए, तुम बनाओ ना। जगन्नाथ बोले तो माणिक बनाते थे, कैसे बनाते आपको पता है? सुबह सुबह नहाते थे, बोले मैं नहा नहीं, क्या नहाना है, बनाओ जल्दी बनाओ, क्योंकि ठाकुर जी पता है उधर मंगल आरती हो जाएगा तो पकड़ में आ जाएंगे, तो मंदिर खोलेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे, तो जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, मुझे भूख लगना तो बहाना है, उनसे सेवा लेना है। तो बोल रहा है देखो वो क्या बोलते हैं, नाम तो वो लिए है ना, क्या बोलते नीम का, नीम का हो चाहे कोई पेड़ का हो, दांतों इसका दांतों करना है ना, उसमें खिचड़ी चूल्हा में डाल दिए और वो ही स्पोन हो गया। तो जब दांत रब कर दिए इसमें क्या निकलता है, आपका जो क्या थुक्का वगैरह ना, थुक वगैरह भी लगता है कि नहीं? और ठाकुर जी देखते हैं वो ऐसा करते हैं, नहीं बोलते तुम ऐसा क्यों कर रहे? यही भगवान है, हमारा पिताजी से करेंगे, मां जी से करेंगे, करने वाले है, कोई सच्ची प्रेम करने वाले जगत में कभी नहीं करेंगे। देख लीजिए आप करोड़ कमाकर किसी को भी दीजिए, कोई ऐसा प्रेम नहीं करने वाले जो भगवान करते हैं। हमारे इतना पतित है वो ऐसे बना है, ठाकुर जी प्रेम से दर्शन करे और वो तो बोलते हैं गर्म गर्म थे, गर्म गर्म को क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा ख्याल ख्याल तो उस टाइम पे नहीं था, पंखा छोटा छोटा पंखा लाकर उसको ऐसे करके जल्दी जल्दी जगन्नाथ जी खा लेते थे, बीच बीच में पानी पिला देते थे, लड़का पी लो गर्म गर्म है, फिर खाने पीने के बाद हाथ धोते थे, और हाथ धोने के बाद क्या करना है, मुछना है ना, पानी लगता है उसको साफ करना, तो वही मानिक का जो साड़ी है ना उसको बोला फिर से कर देते साड़ी भी पतिता है। हम तो हैंडकरचीफ देते हैं ठाकुर जी, कितना प्रेमी देखिए ठाकुर जी, तो हर दिन इसे होने लगा। तो पंडित लोग जो सुबह जग जाते हैं ना वो देखते हैं इनका घर में इतना सुंदर लड़का दोनों कौन आ रहा है, पूरी में खाने पीने कोई लड़का को नहीं मिलता है क्या, माणी घर में आते हो विषय उनका घर में आते कौन है, तो आपस में चर्चा करने लगे वो दो लड़का को पकड़ना है उनका घर में क्यों जाना है। वो जितने पंडित लोग भागते हैं ना उनका पीछे सुबह सुबह, ठाकुर जी इतना भाग कर जाते हैं, ठाकुर जी को पकड़ने वाले कौन है, वो कहां जाते हैं कहां घुस जाते हैं पता नहीं चलता है, पूरी में देखा ना कितना ऐसा कर्म होता है। तो पंडित लोग आपस में मंदिर में बातचीत करने लगे, किसकी कौन सा युग आ गया, ब्राह्मण लोग जाकर ब्राह्मण जैसे लगते हैं, वो लोग जाकर माणिक के घर में खाते हैं उसको पकड़ना है तो क्या करना है। उसमें एक उस पास में एक महंत था बाबा जी का, वो सुन रहा था, वो बोला तुमको पता नहीं है वो जो लड़का जाता है ना ठाकुर जाते हैं, तो गुस्सा हो गए पंडित, ठाकुर जी को खाने पीने को नहीं मिल रहा है उनका घर में जाएंगे, तो पंडित लोगों ने मीटिंग की। तो क्या करना है, सुबह से शाम से सुबह तक बारी बारी में हमको जगना है कौन जा रहा है लड़का, उनको पकड़ना है। और माणिक ने वो तो कई दिन हो गया है वो खिचड़ी बना रहे जगन्नाथ जी जा रहे हैं, और माणिक बीच में जी पूछ रहे थे तो सुनो तो तुमको खाना कोई नहीं देता है, मंदिर में लेट होता है पूजा लोग लेट करते हैं बहुत विलम्ब करते हैं इसलिए भूख लगता है इसलिए हम मान। तर उस दिन जिस दिन पंडा लोग ने बारी बारी जगने लगे कहाँ जाएंगे ठाकुर, ठाकुर कहाँ जाएंगे, तो नहीं आए। और माणिक ने कुकिंग करके रखा खिचड़ी और देख रहा था क्यों नहीं आ रहा है तो लड़का क्यों नहीं आ रहा है, तरस रहता मन। और जब सूरज उगने लगे तो रोने लगे, ठाकुर जी
मेरा पास दूसरा जो आदमी होते हैं ना, मेरा पास आते छिप छिप कर मेरा शरीर को भोग करने के लिए, रात में आते थे जैसे साधु जैसे। क्या आप ऐसे हो गए? आप क्या परम पुरुष है? आप भगवान है? आप क्यों आज नहीं आ रहे? तो रोते थे क्योंकि पंडा लोग सोचा चारों दिशा में घेर कर रहे थे ना, कौन लड़का है, कौन लड़का है। अरे उस दिन क्या हुआ आपको पता है? उस दिन ठाकुर जी का मंगला आरती भी नहीं, मंगला भी नहीं, सुबह से ठाकुर जी का मंदिर नहीं खुले, ठाकुर जी भीतर से लॉक कर दिए। पंडा लोग हवा को नकल, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तब ठाकुर जी बोल रहे मैं मंदिर तब खोलूंगा, मैं हर दिन मानी का घर में जाता हूँ खिचड़ी खाने के लिए, और आज मैं तो नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि तुम पकड़ने वाले हो मुझे, लेकिन मेरा ये आदेश है मैं अभी मंदिर खोलता हूँ, जो भोग लगेगा ना तुम लोग लेकर उनका घर में देना है, और मेरा प्लेट में देना है, मेरा जो थाली है ना वही थाली में लेकर देना है, मेरा भक्त। कोई पंडाल को पीछे पड़े थे ना, अभी क्या करना है, उनका घर में जाना है, उनका पाप पड़ना है। सचमुच तुम्हारा घर ही श्री मंदिर हो गया, हम तो पापी हैं। ठाकुर जी इतना प्रेमी होते, हम लोग भजन करेंगे तो जीवन में क्या और क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा जीवन? धन क्या है? धन पत्र जो उपमा पांव का धूलियो था, भगवान की भक्ति हो जाए पीछे पीछे जितना धन जरूरत है ना हमारे लिए ठाकुर देते हैं, सुख में जितने में जिएंगे, ज्यादा देख ज्यादा जिनको देते हैं सुख में जीते हैं, उनको मारने के लिए ठाकुर देते हैं। कहां रखो तुम्हारा पीछे लोग पढ़ेंगे कहां का क्या कह रहे हैं, सोचते नहीं है कहां धन रखूंगा, जैसे जीएसटी लग गया ना और 500-100 रुपीज बंद हो गया तो कितना लोग रात में नहीं सोए, अरे कितना लोग हार्ट फेल भी हो गए। क्या है पैसा? शरीर देने वाले पहले देखिए लेता है एक शरीर और सब निकलता है, देखा है ना, नव द्वार है इसमें भीतर जाने वाले कौन है, मुख है, और सबसे निकलता है कि नहीं चीज, मुख देने वाले पहले स्टॉक करके भी उनको पता है इतना लोग को मैं मुख देते हूँ, मुख दिया हूं ना, वो खाने वाले है ना, तो व्यवस्था करके वो मुख दिया है कि नहीं, जो गाड़ी वगैरह निकलता है ना वो लोग उनको पता है पेट्रोल कितना है, वो गाड़ी निकाल लेते हैं, अभी पेट्रोल हो गया कितना है, कौन बोल रहा था 85 हो गया, पेट्रोल है कि नहीं पता नहीं लेकिन गाड़ी निकालते, ठाकुर ऐसे नहीं निकालते हैं, ठाकुर का बस व्यवहार नहीं, सब कुछ है, चीटा खाता है कितना, एक आण बोलते हैं, और हाथी एक महान, चींटा के लिए एक आण देते और हाथी के लिए एक मण देने वाले भगवान, उनका पास कोई अभाव नहीं, भजन कीजिए सब कुछ मिल जाएगा, ये बोलने वाले की बात नहीं है, अनुभव की बात है, अनुभव भजन कीजिए आपका जीवन में, कोई नाम संकीर्तन कीजिए, जैसे मिलजुल कर भक्त लोग आते हैं, प्रेम कीजिए, नाम संकीर्तन कीजिए, मंदिर में आइए, कथा सुनिए, हमारा है ना मंदिर कौन सा स्थान है, रावल रावत गोविंद धाम है, गोविंद जी है, संडे में आइए कीर्तन कीजिए, घर में कमाए पैसा कमाए, वो जो पैसा आएगा ना भजन करने के बाद वो ठाकुर जी का आशीर्वाद आता है, लक्ष्मी आए, घर में सब स्वस्थ रहेंगे, रोग वगैरह कुछ नहीं होगा। आपने भलाई के लिए हम लोग बोल रहे हैं, हमारा क्या है, घर छोड़े हम तो कहाँ भी जाएंगे, हम भीख मांगेंगे तो मिल जाएंगे, प्रभुपद क्यों संस्था इतना श्रम करके संस्था बने पैसा कमाने के लिए, हम नौकरी छोड़कर आए हैं, हमारा पिताजी कुछ नहीं था आपसे पैसा लेने के लिए और गाली सुनने के लिए हम आए हैं, लोग 5 रुपया नहीं देते 50 गाली दे देते हैं फिर भी सहना पड़ता है, तो खाने पीने को हमारा घर में क्या नहीं थे, नहीं प्रभुपद ने हमको यही सिखाया है, तो लोग दुखी हैं उनको यही बोलना है, श्री भाई तुम जो कर रहे करो, ठाकुर जी का भजन करो, पाप मत करो, सुख में रहो, आप लोग का जिम्मेदारी है बोलना है, सब जिसको देख रहे हैं ना यही बोल रहे हैं भाई सुखी बनेंगे, ठाकुर जी का भजन करो, जीवन में ठाकुर जी के घर में लाओ, ठीक है मैं इधर ही कथा को विश्राम देता हूँ, और
आप लोग को बहुत धन्यवाद, आप मिलजुल कर सेवा कर रहे हैं गुरु नित्यानंद प्रभु जी का, सब लोग ने सुने कि सब ग्रस्त प्रभु जी ने आ रहे हैं इधर मंगलारती, सब सेवा कर रहे हैं, यही लक्ष्य है। ये संस्कार रखिए, ये साधु लोग का भूमि है महाराष्ट्र, हम ऐसे करेंगे तो हमारे बच्चे लोग ऐसे करेंगे, सुखी बने। ठाकुर को छोड़कर कौन सुखी है, कौन सुखी है, सब रो रहे हैं, सब रो रहे। रोने का यही मतलब है प्रॉब्लम। लोग बोलते मेरा प्रॉब्लम है, तो ढूंढते ढूंढते जाएंगे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है रूट काज क्या है, छोड़ दिए हैं, जिसको पकड़ना है उसको छोड़ दिए हैं, जिसको छोड़ना है उसको पकड़े, यही प्रॉब्लम का रूट काज है। पहले जमाने में मैंने देखा हूं गांव का आदमी के पास कुछ नहीं था, खेती बाड़ी करने वाले थे, छह छह क्या बोलते हैं लड़कियां शादी करा देते, आजकल सब कुछ है, एक लड़की हो जाते बोलते नहीं और नहीं चाहिए, हो गया बस हो गया, भरोसा है मेरे को, कुछ नहीं था उन लोग का, इतना भरोसा था, पांच छह लड़की शादी कर देते आराम से, खेती बाड़ी में चलते, भगवान के ऊपर भरोसा था। आजकल